प्रधानमंत्री मोदी आधी रात काशी में विकास के कामों का निरीक्षण करने निकल पड़े। सीएम योगी के साथ पीएम काशी की सड़कों पर घूमते रहे, उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ लग गई। रात करीब 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। पीएम ने स्टेशन पर घूम घूम कर साफ सफाई देखी, वहां मुसाफिरों के लिए सुविधाओं और इंतजामों के बारे में जाना। पीएम मोदी ने गंगा आरती के बाद रात 8 बजे से रात 12 बजे तक क्रूज पर ही बीजेपी नेताओं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद वहां से गोदौलिया के लिए रवाना हो गए और वहां से पैदल ही दशाश्वमेध घाट की तरफ निकल गए। इस दौरान कुछ लोगों के पास जाकर उनसे मुलाकात की और बातचीत भी की। और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस मौके को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस नगरी में अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़ा होता है, अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी बीजेपी के वाराणसी महानगर और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मोदी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। दोपहर 3 बजे के करीब पीएम मोदी स्वरवेद मंदिर जाएंगे और मंदिर के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। करीब 4:30 बजे पीएम वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नेता हमारे आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बनारस में कोई भी कितना भी रहे ये अच्छी बात है, आखिरी समय में वही बनारस में ही रहा जाता है। इससे पहले अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो हम दस्तावेज भी दे सकते हैं। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि काशी का ऐसा भव्य रूप देखकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि अगर जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो अखिलेश खुशी से झूम उठते और घर घर मिठाई बांटते। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक अतीक अहमद और उनकी पत्नी की 8 करोड़ से ज्यादा की चल अचल की संपत्ति सील कर दी है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की। इसमें उनके बैंक खातों के अलावा फूलपुर की जमीनें भी शामिल हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले अतीक अहमद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ये पहली बड़ी कार्रवाई है। बिहार में हरियाणा की तर्ज पर खुले में नमाज पर रोक लगाने की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नकार दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अपना विचार है, मेरे लिए तो सभी लोग एक समान हैं। इन सब विषय पर चर्चा करने का क्या मतलब है। दरअसल बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं ने हरियाणा की तर्ज पर बिहार में भी खुले में नमाज पर रोक लगाने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के जेवन इलाके में सोमवार शाम पुलिस की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 12 घायल हुए हैं। घायलों में कुछ पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक है। जम्मू कश्मीर की 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस की बस पर यह हमला हुआ। सभी घायलों को आर्मी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों के धरपकड़ के लिए अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई है, साथ ही श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरी जानकारी मांगी है।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों ने बस पर दोनों तरफ से फायरिंग की। हमले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हो गए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों के लगातार अभियान से आतंकी बौखलाए हुए हैं, जल्द ही आतंकियों को मार गिराया जाएगा। संसद में सोमवार को सीबीएसई की 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का मुद्दा उठा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आए पैसेज को महिला विरोधी बताया और शिक्षा मंत्री से माफी की मांग की, जिसके बाद बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर कहा कि 11 दिसंबर को हुई सीबीएसई बोर्ड 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में पूछा गया पैसेज बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं था। ऐसे में बोर्ड सभी स्टूडेंट्स को इस सवाल के लिए पूरे नंबर देगा। सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में पूछे गए एक पैसेज में कहा था कि घरों में पत्नियों को ज्यादा अधिकार मिलने से बच्चे बिगड़ने लगे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, जिसके बाद बीएमसी ने करीना कपूर का घर सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुई थीं। बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के संपर्क में आने वाले सभी लोगों से आरटीपीसीआर टेस्ट करने की अपील की है। बीएमसी अब उन सभी लोगों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जो पिछले दिनों इनके साथ पार्टी में शामिल हुए थे या फिर किसी भी तरह से संपर्क में आए थे। करीना के पिता रणधीर कपूर ने बताया कि करीना कपूर में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में स्कूलों को खोलने का फैसला विंटर वेकेशन के बाद लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं, अगर जरूरी हुआ तो प्रतिबंध लगाएंगे। फिलहाल दिल्ली में किसी तरह की पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बात की जानकारी दी। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अफसोस की बात है कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और दुख की बात यह है कि ओमिक्रॉन से पीड़ित एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम सोच रहे हैं कि वायरस माइल्ड है, उतना खतरनाक नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें यह विचार फिलहाल छोड़ देना चाहिए और तेजी से फैलने वाले इस वायरस की गति को पहचानना चाहिए। ये काफी तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम सभी बूस्टर डोज लें। राजस्थान के धौलपुर में वन विभाग के सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे तीन कर्मचारी एक कर्मचारी को बुरी तरह से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि झगड़ा मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ। पीड़ित कर्मचारी ने तीन सहकर्मियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है, साथ ही एसपी और डीएम से भी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। मामला पुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से भारी मात्रा में शराब की तस्करी गुजरात से हो रही थी। शराब को अंडों की ट्रे की आड़ में छिपाया गया था। पुलिस ने हरियाणा निर्मित 459 कार्टन शराब और 30 कार्टन बियर पकड़ी है। शराब की कीमत 36 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने एक दिन पहले हुए पटवारी के कत्ल का खुलासा कर दिया है। मामला बैंक नोट प्रेस थाना इलाके का है। पुलिस के माने तो पटवारी का कत्ल उसकी पत्नी के प्रेमी ने किया था। बता दें कि पटवारी की शादी 20 दिन पहले ही हुई थी। इसी बात से नाराज प्रेमी ने पटवारी का कत्ल कर दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इस कत्ल में क्या पटवारी की पत्नी का भी हाथ था। नागपुर में दिन दहाड़े एक छात्रा के साथ अगवा करके गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आउटर नागपुर में रहने वाली लड़की संगीत सीखने घर से निकली थी, मगर रास्ते में कुछ लोगों ने उसे कार में अगवा कर लिया और सुनसान जगह पर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपी लड़की को कार से फेंक कर भाग गए। मामला कलमना थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दो हादसों में तीन लोगों की जान चली गई। पहला हादसा यमुना एक्सप्रेस वे पर उस समय हुआ जब नोएडा से आगरा जा रही तेज रफ्तार ऑल्टो कार ट्रक में जा घुसी। कार में महिला समेत चार लोग सवार थे, जिनमें दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो का इलाज चल रहा है। दूसरा हादसा फलौदा कट के पास हुआ, जहां पैदल चल रहे माँ बेटे को मारुति स्विफ्ट ने टक्कर मार दी। हादसे में इलाज के दौरान माँ की मौत हो गई।
ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हो गई। खुद पीएम बोरिस जॉनसन ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। 1 दिसंबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 के बीच इस वेरिएंट से ब्रिटेन में 25 से 75 हजार तक मौतें हो सकती हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। पहली बार किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने अरब मुल्क का दौरा किया। पिछले साल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में अरब देशों और इसराइल के बीच रिश्तों को सामान्य करने पर सहमति बनी थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। आमिर खान मुत्तकी ने दूसरे देशों के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की है। तालिबानी सरकार सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती है। महिलाओं की शिक्षा पर भी जवाब दिया, कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की शिक्षा के हक में है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने सिंगापुर दौरे से पहले संसद को एक हफ्ते के लिए भंग कर दिया। सिंगापुर दौरे पर जाने से पहले गोतबाया राजपक्षे द्वारा उठाए इस कदम ने सभी को चौंका दिया। सरकार की ओर से संसद भंग करने पर सफाई आई। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बीच 716 मिलियन डॉलर की सैन्य खरीद का समझौता हुआ। समझौते के तहत 30 होविट्सर तोपों के साथ दक्षिण कोरिया 15 बख्तरबंद गाड़ियां देगा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन 4 दिनों के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच ऑस्ट्रेलियाई राज्य क्वींसलैंड की सरकार ने अपना अंतर्राज्यीय बॉर्डर खोला है। क्रिसमस को देखते हुए सरकार ने ये तोहफा दिया। अब ऑस्ट्रेलियाई निवासी पूरे देश में क्वारंटीन मुक्त यात्रा कर सकेंगे। चीन ने निकारा गुहा को 2 लाख कोरोना वैक्सीन भेजी है। हाल ही में निकारा गुहा ने चीन विरोधी ताइवान के साथ रिश्तों को तोड़ते हुए चीन के साथ राजनीतिक संबंध जोड़े थे। अमेरिकी राज्य टेक्सास में गोलीबारी हुई। ह्यूस्टन शहर के पास हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए हैं। जश्न मना रहे लोगों पर अचानक एक कार सवार ने गोली चला दी। नानजिंग नरसंहार की 84वीं बरसी पर चीनी सैनिकों ने इस हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 6 हफ्तों तक जापानी सेना ने हजारों लोगों की हत्या की थी। 13 दिसंबर 1937 के वक्त चीन की राजधानी नानजिंग शहर थी। भारत के हरनाज कौर संधु ने 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। पीएम मोदी ने हरनाज कौर संधु को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। इसराइल में हुए शो में 21 साल बाद खिताब पर भारत ने कब्जा किया। दूसरे नंबर पर पिराग्वे की, जबकि तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की प्रतियोगी रहीं।